पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल के सिंघावली स्थित सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण करने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता पहुंचे। विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई और विद्यालय का स्टाफ नदारद मिला। हम आपको बताते चले कि जब बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो विद्यालय में ताला लगा मिला और वहां का स्टाफ गायब था। जैसे ही स्टाफ को जानकारी हुई तो अफरा तफरी मच गई और सभी लोग विद्यालय परिसर पहुंचने शुरू हो गए। असल में ये सर्वोदय विद्यालय है, स्वच्छकार पद्धति आश्रम से जुड़ा विद्यालय है और ये विद्यालय यहाँ सिंधावली संभल सौधन के पास पड़ता है। आज यहाँ आने का एक औचक निरीक्षण हुआ, देखने में आया कि यहाँ पर विद्यालय में सारे क्लास बंद हैं, प्राचार्य का कक्ष बंद है, पुस्तकालय बंद है, कार्यालय बंद है, छात्रावास में देखा छात्रावास बंद है। सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करी, उन्होंने कहा नहीं साहब विद्यालय तो खुला है, विद्यालय खुला है तो फिर ये बंद क्यों है आखिरकार। तो इसकी जो शिकायत हमें सरकार के स्तर पर मिली है, यहाँ क्षेत्रवासियों ने की है कि विद्यालय खुलता नहीं है, यहाँ सामान पूरा कई साल से भरा पड़ा है, बच्चों को दिया नहीं जाता है, यहाँ जो बच्चे हैं खासतौर पर वो किचन में उस भोजन बनाने वाले ने बताया कि यहाँ तो केवल बच्चे तभी रहते हैं जब यहाँ विद्यालय में एग्जाम वगैरह होते हैं, बाकी सामान्य तौर पर बच्चे या तो रहते नहीं या थोड़े बहुत बच्चे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी विसंगति है कि सरकार के धन का दुरुपयोग है और खास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे समाज के कमजोर वर्गों के हैं, गरीब घरों के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के हैं, समाज के आखिरी कतार पर रहने वाले कमजोर बच्चे जिनको पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, सरकार पूरी सुविधा प्रदान कर रही है, उसके लिए विद्यालय बनवाया है इतना बड़ा। ये केवल इसलिए कि बच्चे केवल घर पे ना रहें, यहीं अध्ययन करें और यहीं छात्रावास में रहें और अपना अध्ययन करके अपने जीवन को अपने व्यक्तित्व को सुधारने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में जहां पर सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना बड़ा बजट देने के बाद, चाहे वो रहने के लिए हो, भोजन के लिए हो, सैलरीज टीचर्स की है, प्रिंसिपल की है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये निश्चित यहां अगर कुछ नहीं मिला है तो बहुत बड़ी विसंगति है, जिसमें निश्चित तौर पर प्राचार्य को भी सस्पेंड होना चाहिए और बाकी टीचर्स को भी सस्पेंड होना चाहिए।